डेरा लगा दिया है, यही पे बैठ गया सब मेला में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ सभी को, जैसे कि देख रहे हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी फुल लुक दिखाऊंगी। बहुत लेट हो गया, ज्योति लोग का तो हुआ ही नहीं अभी, तो चलिए चलते हैं मेला दिखाते सबको। बाबू, स्वीटी, दीदी सब रेडी हो गए, मम्मी नहीं जा रही है, तो चलिए चलते हैं। शाम का टाइम हो गया 5:30, आज भी मेला है, आज भी हम लोग मेला जाएंगे। आज है गांव का मेला। अरे ये देखिए, कॉपीराइट ला दे तू, बजा दे। ये देखिए, खाली फोन देखता है, ये देखिए। अरे इधर है दीसु बाबू, अरे इधर स्वीटी चाय पी रही है, चाय वगैरह पी लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग रेडी होंगे मेला के लिए। मेला में मिलेगा ठेला ना दीसु, क्या खाएगा। तो चलिए रेडी हो जाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। और इधर रेडी हो चुके हैं, रेडी हो चुकी है साउथ इंडियन लुक की है। एक बार मेरा बाबू हम नहीं पहनेंगे। और इधर है वंस, और इधर है स्वीटी, स्वीटी भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं मेला। हम लोग रील बनाने के लिए बाबू को कैमरामैन बनाएंगे, स्वीटी और हम रील बना रहे, तो चलिए बना लेते फटाफट। कट गया। ये देखिए मेरा फूल लुक आज का कैसा है, कमेंट करके बताइए। और इधर अंशु मेरे प्रिंसेस, और इधर है स्वीटी। अब हम लोग जा रहे मेला, नहीं तो अब खाएंगे हम लोग गाली। और इधर है वंशु, चलिए लाइट बंद कीजिए। पूरा भीड़ के रे बने गाड़ी जा रहा दिख रहा। ये देखिए भीड़, बाबा रे पूरा भीड़। अभी हम लोग सोच रहे हैं क्या खाएंगे, यहाँ पे सोच रहे हैं। चलो ये देखिए चाट और भीड़, देखिए भीड़ भीड़ देखिए। बेलून लगा, बेलून आ देखे किले के आला। ये देखो को कुछ खिलाएगी।
चले गए। ए अंशु, पुलिस ने कुछ खिलाएगी? क्या खिलाएगी? जो भी चूचे को किसी मोटरसाइकिल के चाहे के लिए तो कृपया वो मंच पर आके जमा करेंगे। सज्जन का बुलाया हुआ है, उस चाबी के कुछ लिखा हुआ है। पापा खरीद दिए दीशु के लिए। हेलो, नई लड़की क्या क्या ली है? भी है, आप स्टेज के सामने आए। चलो घर चलो, सब तोड़ दिया। हेलो, बोलो पानी। अब यहाँ पे भी है तो पानी मत पियो। चलो घर ही जा रहे। डेरा लगा दिया है, ये भी बैठ गया सब मेला में। हेलो दोस्तों, वही बोल रहे हैं, डेरा डाल के सब बैठ गया। जो झगड़ा करेगा उसको कूट दो। चाहे गांव का हो चाहे मेरा घर का हो। अरे नंबर मांगो। हेलो, अरे मेरे बच्चा लोग। मम्मी मेला घूमने का मेला नहीं है मम्मी। क्या हुआ? तो मैं घर वापस आ चुकी हूँ। मैंने उसके मेला के आने के बाद कुछ वीडियो नहीं बनाया, इतना ज़्यादा थक गई थी। उस दिन हम लोग का मतलब प्रणाम किया जाता है अपने से बड़ों का, तो सबको प्रणाम वनाम किया। इतना थक गया, रात का 12 बज गया। ज्योति लोग आए रात का 12 बजे मिलने के लिए, प्रणाम करने के लिए। तो फिर कुछ वीडियो वीडियो नहीं बनाए हम लोग, फिर थक गए थे इतना, फिर सो गए। सुबह भी कुछ नहीं किए उस दिन भी। फिर लवली नहीं, स्वीटी बाबू लोग भी चला गया। फिर उसके दूसरे दिन हम और दीदी अंशु लोग भी चले आए। मम्मी घर में अकेले हो गई। आज लक्ष्मी पूजा है और यहाँ आ गए। अभी इतना मुझे थकावट लग रहा था, तबीयत इतना ख़राब लग रहा बहुत ज़्यादा। हमको सर्दी एकदम बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मेरा सर्दी एक बार हो गया तो बहुत दिन के बाद ही हो जाता है, मतलब बहुत दिन ले लेता है, लगभग 20-25 दिन। तो इसीलिए सर्दी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बोलने में बड़ी दिक्कत हो रहा है हमको। तो सुबह का सारा काम वगैरह मैंने कर लिया, चाय वगैरह पी लिया है। अब बस नाश्ता बनाना है। रास्ता आज आलू का पराठा बनाते हैं, आलू का पराठा वगैरह बना लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। और ये देखिए मेरा आलू का पराठा गर्मा गर्म, बस इसमें घर का घी डालेंगे और खाएंगे। एकदम टेस्टी दिख रहा है। और ये देखिए मेरा आलू का पराठा, घी, घर का घी, एकदम देख के मुँह में पानी आ रहा है। देखने में बहुत ही सुंदर, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये देखिए मेरा आलू का पराठा एकदम रेडी हो चुका है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब चलिए खा लेते हैं। और नाश्ता वगैरह मेरा रेडी हो चुका है, आलू का पराठा बना लिए, बस अब नाश्ता करना बाकी है। ये है नहीं घर पे, बाहर गए हैं काम से, ये आएंगे तब खाएंगे। बोले खाना खा के जाने, और उन बोले आके खाएंगे। और ये रहा मेरा सुबह सुबह का नाश्ता, आलू का पराठा और सॉस। दही के साथ वैसे अच्छा लगता है, लेकिन मेरा सर्दी है तो हम दही नहीं खा सकते भी, तो इसलिए हम सॉस के साथ खा रहे हैं। तो चलिए खा लेते हैं गर्म गर्म आलू का पराठा। मेरा सारा मैं भी चला गया, थोड़ा सा भी नहीं बचा, इतने ही से लगाया था, इतना दिन क्या रहेगा। और दुर्गा पूजा शुरू से बचपन से हमको बहुत ज़्यादा पसंद, हम लोग को सबको दुर्गा पूजा आती है, मतलब एक खुशी नहीं होता है ना, वो अलग से खुशी होता है कि नया कपड़ा वगैरह। लेकिन अब वो सब चला गया, अभी उतना नहीं है। और हम लोग नया कपड़ा वगैरह हमेशा लेते थे ना, तो मतलब बाहर घूमने गए धनबाद वगैरह कहीं, तो कभी नहीं पहनते थे, दूसरा कपड़ा पहन लेते थे हमेशा। नया वाला जो होता है
शुरू से बचपन से वो वाला अपना गांव का मेला में ही फानते थे। गांव का मेला उतना ज़्यादा ही नहीं है, लेकिन बचपन से जाते हैं ना तो मतलब बहुत ही अलग ही शौक है वहाँ जाने का, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हर साल जाते हैं हम, और होता है दसवीं के दूसरे दिन होता है ये, तो इसलिए हम लवली स्वीटी भी जाती थी। अब स्वीटी लवली का शादी हो गया तो वो नहीं आ पाई, वो ससुराल में है, और स्वीटी आई थी, बाबू आया था, तो मतलब सबसे मिलना जुलना हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। कैसे दुर्गा पूजा पार हो गया पता भी नहीं चला, देखते देखते पार हो गया, बहुत अच्छे से पार हुआ, बहुत मन लगा बहुत ज़्यादा, सब मिल के सब कुछ किए तो बहुत अच्छा लगा। इसलिए इतना घूमे हम दुर्गा पूजा में, इतना कभी नहीं घूमे, षष्ठी से ही डेली हम कहीं ना कहीं घूमने जा ही रहे थे। तो चलिए वीडियो को एंड करते, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।